हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस साल अप्रैल और मई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें, और ये क्वेश्चंस आपका एक रिविजन सेट है, इसलिए आप साथ के साथ उन क्वेश्चंस को रीड करते समय आप ऑप्शन भी आपके माइंड में सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ताकि आप भी पता कर सकें कि आप कितने क्वेश्चन क्रैक कर पाते हो। और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पेजेस पर शेयर जरूर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के किस जिले से जुड़ी हुई है? तो इसमें आंसर आएगा आंचल मुंजाल हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आंसर आएगा एम के गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले का जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा जवाहर सिंह डागर पटना पायरेट टीम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आंसर आएगा इसमें झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, ये तीनों जिले रोहतक पुलिस रेंज में आते हैं। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1500 गांव में भौतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना सुविधाओं के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना किस बजट में प्रारंभ की? तो इसमें आंसर आएगा 2017-18 के बजट में यह योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1 मई 2017 से पेट्रोल और डीजल के दैनिक मूल्य संशोधन के ट्रायल के लिए चुना गया था? तो इसमें आंसर आएगा चंडीगढ़ शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो इसमें आंसर आएगा गांधी ग्राम गासेड़ा गांव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 2016 में अमित को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी मेनिन में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? तो इसमें आंसर आएगा बेरी में पशु मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा नारनौल विधानसभा क्षेत्र, बाकी पटौदी, झज्जर और बावल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवम्बर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी नई योजना की घोषणा की? तो इसमें आंसर आएगा घरेलू बिजली कनेक्शन योजना की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है? तो इसमें आंसर आएगा हेपेटाइटिस सी के उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आंसर आएगा यह पुस्तक मुबाशिर हसन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? तो इसमें आंसर आएगा गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गठित गो सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा गो सेवा आयोग का अध्यक्ष भनीराम मंगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को हरियाणा की जीवन की मुख्य धारा मिलाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा खानाबदोश जनजाति को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 के पाठ में भागीदार राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? आपके ऑप्शंस है बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय और दुर्घटना बीमा। तो इसमें आंसर आएगा दुर्घटना बीमा, इसका कोई घटक नहीं है। बाकी शिक्षित युवाओं के लिए सक्षम युवा स्कीम के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सभी मुक्केबाज हरियाणा से संबंध रखते हैं सिवाय, आपके ऑप्शंस हैं विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, महेश रावत और विकास यादव। तो इसमें आंसर आएगा महेश रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा इसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में की गई थी। पहले यह दो इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, और बाद में इन्हें करनाल में 1985 में शिफ्ट किया गया था, और बाद में दोनों इंस्टीट्यूट को मर्ज करके एक सिंगल इंस्टीट्यूट बनाया गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, और यह 1995 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी हरियाणा के मुक्केबाज है सिवाय, आपके ऑप्शंस है दिनेश कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार और जगदीश सिंह। तो इसमें आंसर आएगा संजय कुमार को छोड़कर दिनेश कुमार, मनोज कुमार और जगदीश सिंह हरियाणा के मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई या लगभग, आपके ऑप्शंस है 140 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 125 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी 135 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें आंसर आएगा बाबा सरवणनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई? तो इसमें आंसर आएगा यह योजना वर्ष 2005-06 में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं था? आपके ऑप्शन है श्री बीडी गुप्ता, श्री बीडी शर्मा, श्री हुकुम सिंह और श्री चंद्रशेखर। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, श्री चंद्रशेखर हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो इसमें आंसर आएगा तोमर राजा द्वारा सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आंसर आएगा 8 मई 1976 यानी 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय, आपके ऑप्शन है जगदीश सिंह, अनिल कुमार, रमेश कुमार, सुशील कुमार। तो इसमें आंसर आएगा जगदीश सिंह, जगदीश सिंह हरियाणा के मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें आंसर आएगा 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो इसमें आंसर आएगा जंतपाली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा मैम में, मैम हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग ने हरियाणा का प्रवास कब किया? तो इसमें आंसर आएगा हेनसांग ने 7वीं सदी में हरियाणा का प्रवास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा महावीर सिंह फोगाट को, और दंगल फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आंसर आएगा टिट्स की स्थापना 1943 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी शंकर प्रभाकर इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणवी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हरियाणा के जैन कवि है? तो इसमें आपके ऑप्शनों में से हरियाणा के जैन कवि है सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए मनमोहन सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में कितने जिले थे? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, और ये 7 जिले हैं रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और हरियाणा जीके की वीडियोज के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिस पर आप लेटेस्ट डेली करंट अफेयर वीडियोज, लेटेस्ट हरियाणा जीके की वीडियोज पा सकते हैं।